नई दिल्ली से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मोदी सरकार का इंसदाद दहशतगर्दी की आड़ में समाजी तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारतीय सरकार की सियासी कारकुनों और अकलियतों पर जालमाना कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी के नाम पर भारत में मौजूद इंसानी और समाजी हकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जिसे फैटिफ को मद्देनजर रखना चाहिए। मोदी सरकार फैटिफ के इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में सियासी कारकुनों और अकलियतों पर जालमाना कार्रवाइयां कर रही है। भारतीय हुकूमत फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन, इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मी एक्ट और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नाजायज इस्तेमाल कर रही है, जिसकी रोकथाम इंतहाई जरूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा है कि भारतीय हिंदुत्ववाद सरकार की गैर कानूनी कार्रवाई इंसानी हकूक और फैटिफ के हदायत की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसका नोटिस लेना नागजीर हो चुका है।